माफ करने वाला बड़ा क्या? तो बात आती है, यही इस्लाम है और यही सभी मज़हब कहता है। मज़हब के माने मेरे नज़र में तशरीह है कि अच्छाई, अच्छाई से मज़हब बनता है, मोहब्बत से मज़हब बनता है, प्यार से मोहब्बत बनता है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट से मज़हब बनता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ है इस्लाम की जो आप लोगों के बीच नहीं आई है, जो इस तरह के सवाल आपके जहन में आता है। बहुत सी चीज़ है जो पॉलिटिकल वे से लोग करते हैं, उस पर बात करेंगे तो बहुत लंबा वक्त चला जाएगा, मगर इस्लाम कभी भी वायलेंस पे बिलीव नहीं करता। आप देखें, मैंने एक मिसाल दिया था कूड़ा फेंकने का, उसी तरह बहुत सी मिसाल है। जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुगोले बेटे जैद जैद बिन हारिस के साथ गुजर रहे थे, उसी मक्का में लोगों ने पत्थर, एक कौम जो पत्थर से मारे, उन्होंने उनको भी माफ़ क्यों किया? क्योंकि उस नस्ल से भी उन्होंने कहा था, आपने कहा था कि उस नस्ल से भी हमारा कलमा पढ़ने वाला कोई पैदा होगा, इसलिए उन्होंने माफ़ किया था कि यही इस्लाम है। तो बहुत से ऐसे पहलू हैं जिस पर बात कल होगी इंशाल्लाह, अभी तो वक्त नहीं है। बहुत से पहलू पे अमीन अंसारी साहब भी बात रखेंगे, डॉक्टर रंजुती भिकू साहब भी बात रखेंगे, तमाम उलमाए दीन वहाँ रहेंगे, तमाम लोग आपको बताएंगे। और कल आपके माध्यम से कहना चाहते हो, जितने भी लोग हैं, तमाम मज़हब के लोग, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान हैं, तमाम मज़हब के लोग, लड़का लड़की तमाम का इंतज़ाम है उधर, औरतें के लिए अलग इंतज़ाम है, मर्दों के लिए इंतज़ाम है, उसमें साहिल भाई एक हैं हमारे जानने वाले, उन्होंने बहुत काम किया वहाँ पर। कल इंशाल्लाह सबका थैंक यू भी बोलूँगा जी जी। और बाकी बात आपको आज़ाद साहब आपसे शेयर करेंगे, मैं आज़ाद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। पूजा क्या बोल नहीं सवाल करिए, ये आप बतलाएँ क्वेश्चन की, बहुत वाइटल क्वेश्चन था, एक प्रॉफिट का मैसेज था अमन और शांति का, लेकिन देखा जाता है कि हमारे कौम में जो है ना आतंकवादी आते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपका, और जो चीज़ अभी आम है इसका जो है ना जवाब ये है कि प्रॉफिट के लाइफ में जो प्रॉफिट का नाम लिया करते थे या जो जो अमल करते थे, तो उसके अंदर भी ऐसा हुआ कि उनका जो ग्रैंडसन है, उनका जो उनको इमाम हुसैन उनको मार दिया शहीद, तो एकदम ब्रिचली मारा, ख़त्म कर दिया प्रॉफिट का। कौन मारा उस पर? तो कोई दूसरा कोई कौम का नहीं था उस वक्त। कौन इस्लाम का नाम लेने वाला, अजान देने वाला, कलमा पढ़ने वाला इमाम हुसैन को शहीद किया। तो लोग जो होते हैं ना, जब आदमी का इसी चीज़ को इस्लाम ख़त्म करने आया था कि आप इसे लग्जरी मत होइए। आज अरब में, सऊदी अरब में इसे वाकई जो आप देखेंगे हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, इसका सबब क्या है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका तो बेड नहीं था खोने का, और आधा यूरोप में उनका हुकूमत अपना वो किए थे अपने दौर में, 23 साल के अंदर वो जो है ना इतना आदमी चाहा अमन शांति के लिए पूरा एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन अभी का जो है वो उसका देखिएगा आप, लग्जरी लाइफ अब तो जा ही रहे, देख रहे हैं कि सऊदी अरब में, दुबई में क्या क्या हो रहा है, एकदम जो है ना वो खुद नहीं खाते थे। खलीफा जो थे जिसको अपॉइंटमेंट करते थे, जो इसको बुलाया जाता है अमीरुल मोमिनीन, मतलब एक लाइक ऑफ गवर्नर या जस्ट लाइक ऑफ एम्पायर, जिसको अपॉइंटमेंट किए प्रॉफिट, तो उन लोग जो है ना घर में जो है बहुत सूखा रोटी खाते थे। तो ये सब बहुत एक बार जो है ना वो कौम में काम थे, तो इसीलिए ना कि हम लोग का जो है वो अमल नहीं कर रहा है प्रॉफिट का बात पर। प्रॉफिट के बात पर हम लोग अमल करने के लिए, उनका बात पर चलने के लिए हम लोग मैसेज दे रहे हैं, तो उसका बात पर जो इसीलिए हम लोग आप लोगों को जहमत दिए हैं सबको, क्या आप लोग देखिए ऊपर आइए तमाम लोगों को कि अच्छा मैसेज जाए कि क्या करना है। और एक प्रॉफिट हम लोगों का जो है, ये प्रॉफिट जो है प्रॉफिट मोहम्मद, ये प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो मुसलमान का प्रॉफिट नहीं है, रहमतुल आलमीन है। बुद्धिस्ट में भी लिखा हुआ उनके बारे में कि एक प्रॉफिट आएंगे जो मैत्रिया होंगे, मैत्रिया मतलब मीनिंग ऑफ रहमतुल आलमीन, मैंने ही इज द प्रॉफिट ऑफ ऑल। तो हम इसलिए ऑल द पीपल, हम लोग हिंदू मुसलमान जो है, हम तो बहुत बार बोलते हैं कि हम लोग का ब्लड को चीर के दिखा दो कि कोई अलग अलग रंग है क्या, जब नहीं आता हम लोग पागल हैं आप उसमें क्या है? हम लोग का माँ, हम लोग का बहन, हम लोग का भाई, सब तो हम लोग एक चीज़, एक कौम है। इसके लिए जो है इसलिए मैसेज देना है। कल के का जो आपका जो प्रोग्राम है, तो उसमें क्या आपने कि सभी धर्मों के लोगों के आपने? देखिए कल का जो प्रोग्राम है कोई नया प्रोग्राम है नहीं, और बराबर हम हर धर्म के लोग आते हैं। अभी जो है ना ज़्यादा हम लोग, हमारे दोस्त जो है छोटा भाई, इनको लाएँ और सबको आपको इसलिए जहमत दिए, तकलीफ दिए कि अभी जो है ना माहौल बहुत बिगड़ गया हिंदुस्तान का,
बस मेरा मेरा अगला यही सवाल है, कल जैसे आपने बताया कि कल के प्रोग्राम में सभी धर्म के लोग एकजुट होने वाले हैं, जिस तरह से अभी देश का माहौल चल रहा है। मैं सोफिया खान, आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं ताकि हम यहाँ पर 12 रबी अव्वल हमारे मिलादुल नबी के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हैं, और मैं यही पैगाम दूंगी कि जिस तरह से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से अमन का पैगाम दिया था, मैं यही चाहूँगी कि हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक एक तरह से हम सब अपने भाईचारगे को हम यही मैसेज जो है हमारे प्रॉफिट का जो मैसेज था कि अमन से रहो शांति से रहो, इसी मैसेज को हम आगे ले जाना चाहते हैं, और हम यही चाहेंगे कल शहीद मीनार में सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ मौजूद होकर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाएं और अमन का पैगाम जो है वो दूर दूर तक पहुँचाएँ। कल के पवित्र मिलादुन्नबी, ईद मिलादुन्नबी, কালকে আমাদের ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক শ্রদ্ধেয় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন। এই জন্মদিনে আমাদের সকল মুসলিম ভাই বোনদেরকে, সমগ্র বৌদ্ধ কমিউনিটির পক্ষ থেকে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যালায়েন্সের পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করছি। এই একটা দিন যেদিন আমরা প্রফেটকে আমরা স্মরণ করি, তার যে জীবন, তার যে আদর্শ মানবতার জন্য তিনি দিয়ে গিয়েছেন, এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে যেভাবে তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন কোরআন এবং আল হাদিসের মধ্যে, সেই কোরআন এবং আল হাদিসের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কালকের দিনে আমরা হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সকল ধর্মের সকল জাতির মানুষেরা শহীদ মিনারে আমরা একত্রিত হব, আমাদের হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমরা রেসপেক্ট জানাবো এবং তার যে আদর্শ সেটা প্রচার করার জন্য। আমরা প্রত্যেকে জানেন যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি প্রত্যেকের কাছে একটা আবেদন রেখেছেন, ধর্ম যার যার উৎসবগুলো সবার, তাই এই উৎসবে আমরা প্রত্যেকে সামিল হয়ে আমাদের একত্রতা বার্তা, আমাদের যে পশ্চিমবঙ্গের শান্তি সম্প্রীতি এবং সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক সে পশ্চিম বাংলার একত্রতাবদ্ধ সকল ধর্মের মেলবন্ধন কালকে আমরা প্রদর্শন করবো শহীদ মিনারে। সকলকে ধন্যবাদ, ঈদে মিলাদুন্নবীর শুভেচ্ছা, সকল মুসলিম ভাই বোনদেরকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। ये कल के प्रोग्राम था, आज जो है तारी अहमद फाउंडेशन और ऑल इंडिया मिलादुन्नबी काउंसिल जानिब से शहीद मीनार मैदान में जो तारीखी इजलास हो रहा है जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक पैगाम है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक मजहब के रहनुमा नहीं थे, बल्कि अल्लाह ने उन्हें उमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन बना के भेजा है, वो तमाम आलम के लिए रहमत थे, चाहे वो कोई भी कौम हो चाहे कोई भी फ़िरका हो। और इस्लाम को जो लोग गलत तस्वीर पेश करते हैं इस्लाम के सिलसिले में कि इस्लाम दहशत गर्दों पैदा करता है, जो दहशत गर्द है उसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। और इस्लाम कुरान में अल्लाह ताला ने वा तसमु बिहबलिल्लाह जमीउ वला तफरकू, तुम आपस में तफरका मत डालो, एक जमात बन के रहो और अल्लाह की रस्सी को मजबूत से पकड़ो, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कहा वला तफरकुल मुस्लिमून, बल्कि पूरे इंसानियत कहा गया कि तुम मुत्तहद रहो, मुनज्जम रहो उन लोग खिलाफ जो दुनिया में अमन और शांति को तोड़ते हैं, जो लोग जुल्म करते हैं, जो लोग इंसान का खून बहाते हैं, इस्लाम उसके खिलाफ है, दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लाम अमन और मसावात का पैगाम देता है। इसलिए मैं आज यहाँ से प्रेस मीडिया के ज़रिए तमाम आलम इंसानियत को जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देते हुए ये आपको दावत सुखन दे रहा हूँ कि कल शहीद मीनार मैदान में तमाम MLA, MP, मिनिस्टर, दानिश्वर, मुफक्किर, मुहद्दिस, उलमा तमाम ही लोग आएंगे, आप तमाम मीडिया वाले आएँ और जो पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है उस पैगाम को आपके ज़रिया दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया जाए। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।